तो आई होप आज आप जरूर मेरा डाइट, मैं जो जो डाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप जरूर फॉलो कर रहे हैं, जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट 30 डेज तक आप हर रोज मेरा, मैं जो डाइट आपको रिकमेंड करता हूँ वो जरूर फॉलो करते रहिए। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद हमको पहला जो जो वाटर पीना है उसमें होगा एक कप ल्यूकम वाटर, उसके साथ हाफ नींबू का रस और उसके साथ होगा गुड़। आप एक चम्मच, एक चाय का चम्मच गुड़ ले सकते हैं, उसमें मिला दीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से पिए, वो आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। तो पहला मॉर्निंग के एक्सरसाइज के बाद हम लोग क्या पियेंगे, ल्यूकम वाटर के साथ हाफ नींबू का रस, उसके साथ थोड़ा सा गुड़। आपको कैसा करना होगा, इस नींबू को कट कर दो पीसेस कर लीजिए और एक पीसेस को, एक पीसेस में जितने सारे नींबू का रस होगा वो आप एक कप में उसको ले लीजिए। मैं मेरा एक कप में नींबू का रस ले लेता हूं। इसके बाद एक बर्तन में मैं पानी बॉइल करूंगा। आपको ल्यूकम वाटर लेना है तो इसलिए पानी को ज्यादा गर्म मत करिए। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी दे देता हूँ। एंड आफ्टर आई एडेड सम गुड़, उसके बाद आपको इस वार्म वाटर को, जो नींबू पानी है, उसको आराम से पी जाना है, क्योंकि ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्प करेगा। बट इसको एंटी स्टोमक में आपको पीना है, जैसे हम लोग हमारा एप्पल विनेगर सीडर जो जूस है जो हम लोग वार्म वाटर के साथ पीते हैं, ऐसे ही इस नींबू पानी को हमको एंटी स्टोमक में वार्म वाटर के साथ पीना है। एंड नींबू पानी और उसके बाद आपका जो एप्पल विनेगर सीडर जो हम लोग गर्म पानी में पीते हैं, उसको पीने के बाद आपका सुबह का जो ड्रिंक है, जैसे टी हो गया, ब्लैक कॉफी हो गया, बट उसमें नो एडेड शुगर, आप शुगर उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पहले
हम लोग नींबू का पानी पियेंगे, उसके बाद हम लोग एप्पल विनेगर साइडर पियेंगे हॉट वाटर के साथ, उसके बाद हम लोग पियेंगे आपका जो डेली का चाय है और कॉफी है, आप दोनों को में जो भी आपका मर्जी आप ले सकते हैं। मैं आज ग्रीन टी पीऊंगा, जो आज ग्रीन टी बनाते हैं आप, बट उसमें कोई शुगर एडेड नहीं होगा। ग्रीन टी बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, एक बर्तन में पानी ले लूंगा, और एक बार बोलना चाहता हूँ आप नींबू का पानी एप्पल विनेगर साइडर जो सॉल्यूशन है उसको पीने के थोड़ा देर बाद मिनिमम 30-40 मिनट बाद आप आपका मॉर्निंग का जो ड्रिंक लेते हैं टी और कॉफी वो ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको 30 मिनट का गैप देना पड़ेगा पहला जो आप जो नींबू का पानी ले रहे हैं उसके बाद। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी को उबलने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा, और एक कप में ले लेता हूँ, एक कप मैंने ले लिया, और थोड़ा सा पानी उबलने के बाद इसके साथ साथ मैं मेरा जो ग्रीन टी है उसको भी निकल दिया। तो एक कप के लिए मैं एक चम्मच ग्रीन टी ऐड करूंगा, एक चम्मच ग्रीन टी ले रहा हूँ और इस पानी में दे दूंगा, और उसके बाद उबलते हुए पानी में दे दूंगा और गैस का फ्लेम बंद कर दूंगा। थोड़ा सा इस जो चाय का पत्ती है उसको थोड़ा सा सोखने के लिए टाइम दूंगा, थोड़ा सा पानी के साथ मिलने के बाद एक टी का ग्रीन कलर, हल्का सा ग्रीन कलर निकल के आएगा पानी में, उसको हमको पीना है, और उसमें कोई भी कुछ आप शुगर जैसा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका बॉडी के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छे हैं। आप जरूर ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले में तो आपको दिक्कत होगा ग्रीन टी पीने में, बट आप एक हफ्ते दो हफ्ते जब रेगुलर बेसिस पे इसको पीने लग जाओगे तब आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। एंड फाइनली मेरा ग्रीन टी रेडी हो गया है, वो बहुत ही अच्छे से सोख हो गया है। अभी मैं इसको एक कप में, और इसके बाद एक कप ग्रीन टी के साथ आपको दो बिस्किट्स लेना है, जो आपका पहला मील है उसके पहले आपका पेट में ये दोनों जाना चाहिए, क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक में बहुत टाइम रह रहे हैं। तकरीबन 8-10 आवर हम लोग जब रात का डिनर करते हैं और उसके बाद हम लोग सोने के लिए जाते हैं, और उसके बीच में हम लोग सुबह जब उठते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखिए 8-10 आवर का गैपिंग होता है, और उसके बाद आपका स्टोमक में कुछ देना है। हम लोग पहले दिया है नींबू का पानी, और उसके बाद हम लोग ग्रीन टी के साथ दो बिस्किट लेंगे, और सुबह के ब्रेकफास्ट में आज हम लोग खाने वाले हैं ब्राउन ब्रेड। मैं ब्राउन ब्रेड का 2 पीसेस ले आऊ, उसके साथ थोड़ा सा सलाद, सलाद में आज मेरे पास है ऑनियन चॉप हुआ इसको ले लिया, और इसमें आप कोई भी बटर नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बटर में बहुत सारा फैट होता है इसलिए, और इसमें आप थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा हमको नहीं खाना है। आपको आपको एक बात दिमाग में गुजारना है, हमको ज्यादा नहीं खाना है, जब भी हम लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, ज्यादा टाइम आप बहुत टाइम का गैप नहीं दोगे, आप कुछ देर बाद बाद आपको खाना है, और आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। मैं इसके साथ ले रहा हूँ थोड़ा सा मेयोनीज, मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करूंगा, आप एक ग्लेज मेयोनीज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि उसमें फैट कम होता है। आप मैं थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करूंगा, और उसके साथ साथ मैं कुछ ऑनियन जो चॉप करके मैंने रखा था तो मैं इसको लूंगा सैलाड के, सैलाड में मैं इसको लूंगा, तो इसको मैं हल्के हाथों से लगा देता हूँ पूरा ब्रेड का ऊपर,
और उसके ऊपर मैंने 2-3 पीसेस ऑनियन का दे देता हूँ। मैंने आपको कल बोला था आपका ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए। हेवी का मतलब बहुत सारा नहीं, हेवी का मतलब जितना वेट ही खबर हो सके। मतलब मैंने आज सुबह खाया ब्रेड, कल मैंने खाया था कॉर्नफ्लेक्स, इस ये है थोड़ा सा हेवी फूड। हेवी फूड का मतलब है ये बल्की नहीं है बट आपका पेट में जब जाएगा ये थोड़ा सा हेवी फील होगा, बट इसको ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके हम शेड्यूल बनाकर इसको खाना खाएंगे। बहुत सारा नहीं खाना है। हम लोग आज देखे हैं आप, मैंने 3 ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड का पीसेस लिया था, तो ऐसे ही करके आपको खाना है। आप 2 से लेकर 3 के बीच में ही खाएंगे क्योंकि और बहुत सारा, उसके बाद आपको पानी पीना है। हर रोज आपको बहुत सारा पानी पीना है, मिनिमम 3-4 लीटर आपको डेली पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी आपका सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। कल के तरह आज भी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद एक फ्रूट लेंगे, तो आज भी मैं लूंगा एप्पल। आप इसके साथ एप्पल और दूसरा फ्रूट ले सकते हैं बट शुगर जैसा फ्रूट मत ले, जिसमें शुगर ज्यादा है उस फ्रूट को मत लीजिए आपका डाइट चार्ट में। आज लंच में हम लोग लेने वाले हैं ओट्स, उसके साथ बहुत सारा वेजिटेबल्स एंड 1 का व्हाइट पोर्शन जो मैंने 1 का येलो पार्ट से अलग करके लेकर रखा है, आप देख लीजिए। इधर मैंने ले लिया ओट्स, उसके साथ बहुत सारा सब्जी, इधर है सोयाबीन का सब्जी, इसमें है व्हाइट एग्स और येलो पोर्शन को मैंने इससे अलग कर लिया। शाम का टिफिन में मैंने लिया है ब्लैक कॉफी, आप जानते हैं ब्लैक कॉफी मैं बहुत अच्छे से पीता हूँ और आप भी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफी दिया है और उसके साथ मैंने लिया है फ्लैटेन राइस और थोड़ा सा नट्स। आपका एक चाय का चम्मच के हिसाब से आप 4 or 5 पीसेस नट ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए विदाउट ऑयल और उसके बाद आप आपका शाम को टिफिन में बहुत ही अच्छे से ब्लैक कॉफी के साथ खा सकते हैं। ये मैंने ले लिया ब्लैक कॉफी, इसके साथ फ्लैट एंड राइस और उसमें थोड़ा सा नट्स। रातों का डाइट में हम लोग लेंगे डाइट मिल्क, उसके साथ ओट्स और उसको अच्छे से उगलने के बाद हम लोग उसको रात का डिनर में लेंगे। बहुत ही अच्छे होने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे उसको बनाना है। आप एक बर्तन में 200 से लेकर 250 ml डाइट मिल्क ले लीजिए और इसमें 3 चम्मच ओट्स डाल दीजिए। और आपको मिल्क डाइजेस्ट करने में तकलीफ होते हैं तो आप मिल्क में थोड़ा सा एक चिमटे आप नमक डाल सकते हैं मिल्क के अंदर, आपका डाइजेस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये है मेरा ओट्स विथ डाइट मिल्क। आज का डिनर खाते खाते आज का वीडियो इधर खत्म करता हूँ। आई होप गाइज आज का वीडियो इसके साथ साथ आपके डाइट चार्ट एंड एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, नए आते चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, गुड डे एंड गुड बाय।